प्रदेश में जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर रामपुर में जुलूस में मनमोहक झांकियां निकाली गई। जहां पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। शास्त्रों पुराणों के अनुसार कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया था और हर दिन अपनी बहन और बहनोई पर जुल्म करता था। अपनी बहन की बच्चे को जन्म देते ही मार देता था। कंस का जुल्म हद से बढ़ता जा रहा था। तभी देवकी के आठवें पुत्र ने जन्म लिया और कारागार के सारे ताले टूट गए और बड़े होकर कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और पूरे राज्य को मुक्त किया। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पे ऐतिहासिक रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। लगभग 75वीं ये शोभा यात्रा है और यहाँ पे अमन चैन का, खुशहाली का, भाईचारे का ये सब संदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है और यहाँ पे सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग इसमें मौजूद रहते हैं। आज इस कार्यक्रम का, शोभा यात्रा का, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी ने इस शोभा यात्रा का फीता काट के उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी की अन्य दलों के सभी धर्मों के लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं और सम्मान करते हैं। ये बड़ा ही भाईचारे का संदेश देने वाली शोभा यात्रा है। ये सब लोग मिला कहाँ से होकर कहाँ जाएगी? ये पुराना गंज से होती हुई पूरे शहर में घूमती है, मुख्य बाजारों में घूमती है और उसके बाद इसका क्या मैसेज दिया जाता है, क्या संदेश दिया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने सबको यही संदेश दिया है कि आतंक का विनाश हो और दुराचारियों का विनाश हो, जो सच्चाई है और हमारी जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनका विकास हो, ये संदेश दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसलिए जन्म लिया था ये संदेश दिया जाता है। कंस का आतंक जब बढ़ गया था तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने यहाँ पे धरती पे जन्म लिया था। दुराचारी ताकतें बढ़ गई थी इसलिए जन्म लिया था। दुराचारी ताकतों के दमन के लिए भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाए।